क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, तो प्रूव करना है ये तीनों टर्म जीपी में है। जब ए बी सी डी जीपी में होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम बी को ले सकते हैं ए आर, सी को ले सकते हैं ए आर स्क्वायर, डी को ले सकते हैं ए आर क्यूब। अब हमें इन तीनों को जीपी में प्रूव करना है। जीपी में होता क्या है कि इन दोनों का रेशियो बी एन प्लस सी एन अपॉन ए रेस टू द पावर एन, ये निकालेंगे, और फिर थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो, अगर ये तीन दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो बस हमें इतना काम करना है, ये वाली वैल्यूज रखनी है दोनों साइड, बी की पावर एन का मतलब ए की पावर एन आर की पावर एन, सी का मतलब ए की पावर एन आर की पावर टू एन, ऐसे नीचे ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस ए की पावर, सॉरी नीचे थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे ए ही रहेगा ना, और बी की जगह लिखेंगे ए की पावर एन आर की पावर एन। तो तुम देखो ऊपर से ए की पावर एन और आर की पावर एन को मना रहा है, तो अंदर बच गया वन प्लस आर की पावर एन, नीचे ए की पावर एन कॉमन ले लो, अंदर भी यही बच गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आर रेस टू दी पावर एन। सिमिलरली जब नीचे वाले में पुट करोगे तो वो भी यही आ जाएगा, और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये तीनों टर्म जीपी में हो जाएंगी। तो इसके अंदर भी पुट करके देख लो, इसके अंदर पुट करेंगे तो सी की जगह लिखेंगे ए, ए की पावर एन आर की पावर टू एन, ए की पावर एन आर की पावर थ्री एन, नीचे ए की पावर एन आर की पावर एन और ए की पावर एन। तो हम न्यूमरेटर डायनोमेटर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे भी हमारा आ गया ए की पावर एन आर की पावर टू एन कॉमन, आर की पावर एन कॉमन आना चाहिए, कहीं इसमें गलती करी है, क्योंकि सी सी की वैल्यू ये है, यहां पे टू एन, डी की जगह थ्री एन, बी की जगह आर की पावर एन, क्या गलती है? यहाँ पे सी है, हमने यहाँ पे गलती कर दी है, सी आएगा, तो सी की पावर एन का मतलब आर की पावर एन और ये टू एन, तो ये भी आर की पावर एन आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारा जीपी में हो गया। ठीक है, थोड़ी बहुत